रक्षक ही अगर भक्षक बन जाते हैं तो इस प्रदेश का क्या हाल आगे चल के होने वाला है। दौसा में अपहरण का केस, मैं तो कुछ ही आप लोगों को गिना रही हूं। दौसा में अपहरण करने का एक विरोध जब उसने किया माँ बाप ने, तो पिता को कुचल डाला और माँ के ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया, उसके बाद उसका अपहरण कर दिया। ये क्या है और कब और कैसे रुकेगा? राजधानी के अंदर आत्मदाह का मामला सामने आया है, माने चरम सीमा पे है महिला उत्पीड़न। और मैं महिला उत्पीड़न बच्चियों की तो बात कर ही रही हूँ, परंतु दलितों के साथ भी कोई इन्होंने छोड़ा नहीं है। 2022 के अंदर राजस्थान में दलितों पर 8000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। पाकिस्तान से आए जो हमारे हिंदू शरणार्थी, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिया और रोहिंग्यों को बसाने के लिए उनको राशन कार्ड दिया जाता है। ऐसी सरकार, मैं तो समझती हूँ कि राज्य में रहने की कोई अधिकार नहीं।